चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के शासकीय अधिकारियों को चुनौती देने वाले बयान की निंदा करते हुए कहा कि 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में इनको गुंडागर्दी करने की आदत पड़ गई थी। कमलनाथ हारने के डर से अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। प्रत्याशी चयन को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कांग्रेस गुट और गिरोह में बंट गई है। लड़ाई अब सोनिया और राहुल गांधी के बीच की है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस में बाकी बची 12 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम को लेकर कहा कि अब लड़ाई AICC और PCC के बीच में है। कांग्रेस गुट और गिरोह में बंट गई है। कमलनाथ द्वारा शासकीय अधिकारियों को दी गई चुनौती पर उन्होंने कमलनाथ पर निशाना साधा और कहा कि कमलनाथ और कांग्रेस हताश हो गए हैं। कांग्रेस के नेताओं को इस बात का इल्म रखना चाहिए कि इस समय मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की सरकार नहीं है। अब वो किसी भी वर्ग को धमकी नहीं दे सकते। प्रशासन को इस तरह की धमकी देना उन्हें हताश करना है। कमलनाथ हारने के डर से अपना मानसिक संतुलन ना खोएं। देखिए, ये चुनौती नहीं होती, ये हताशा होती है। हताश हो गए। 15 महीने में आदत पड़ गई थी दादागिरी करने की और गुंडागर्दी करने की, परंतु इस बात का भी इल्म कांग्रेस के नेताओं को रखना चाहिए कि अब यहाँ भ्रष्टाचार की सरकार नहीं है, अब यहाँ अनाचार की सरकार नहीं है। अब धमकी किसी भी वर्ग को ना आप दे सकोगे, ना कोई वर्ग धमकी देने की स्थिति में रहेगा। कमलनाथ जी को समझना चाहिए कि प्रशासन को इस तरह की धमकी देना, जहाँ एक और उनके अहम को प्रदर्शित करता है, तो उसके साथ साथ इस बात का भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह प्रशासन को चुनौती देना केवल और केवल हताशा है। मैं उनके इस बयान की घोर निंदा करता हूं और उनको ये सजेशन देता हूं, ये सुझाव देता हूं कि चुनाव में हारने के डर से वो अपना मानसिक संतुलन ना खोएं। ये वही कांग्रेस है जिसके नेता पप्पू गांधी जी ने बाहें उठा उठा कर कहा था कि 10 दिन में हम कर्जा माफ़ कर देंगे। 15 महीने में एक भी किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। पहले पीला फॉर्म, फिर गुलाबी फॉर्म, फिर पात्र की सूची, फिर अपात्र की सूची, फिर 50,000 का कर्जा, फिर 2 लाख का कर्जा, और अंतिम जो उसका रिजल्ट निकला वो था 0। किसी किसान का कर्जा माफ़ नहीं किया। कमलनाथ जी 15 दिन में किसी किसान के आंसू पोंछने उसके खेत तक नहीं गए। कांग्रेस की सरकार के सामने अतिवृष्टि हुई, कांग्रेस की सरकार ने ध्यान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किसान हितैषी है, ये फिर एक बार प्रदर्शित हुआ जब शिवराज जी ने फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद बीमा की करोड़ों रुपए की राशि किसानों के खाते में डालने का काम किया। यदि वर्षा हुई, अतिवृष्टि हुई, तो फिर शिवराज सिंह चौहान निकले, वो अपने बंगले पर नहीं रहे, उन्होंने किसान के खेत पर जाकर उसके आंसू पोंछने का काम किया। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।